आपको कैसे पता कि ये सच है ग्रैंडपा? मुझे ये हमेशा से एक कहानी लगती थी। ठीक से पढ़ोगे तो पता चलेगा। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के क्लूज एकदम पक्के थे और वो ले जाते हैं। मेरे साथ ही रहना काय। वो ये सच में हो सकता है। डॉक्टर जेकिल की सीक्रेट लेबोरेटरी और उसका मशहूर फॉर्मूला जो अब हमारा है। हमारा फॉर्मूला दिलाने में मदद करने के लिए रॉयल ऑर्डर ऑफ फॉरएवर नाइट्स तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हारा फॉर्मूला? डॉक्टर जेकिल दरअसल हमारी ही बिरादरी के थे। वो एलियन खून को एक सुपर ताकतवर सीरम में बदलते थे जो नाइट्स लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। अब बस हम उसे लेकर अपने रास्ते निकल जाएंगे। काय भागो। एक वायल काफी होगा मेरे हमारे मकसद के लिए। इस बुढ़े को महल में ले आओ। वो तलवार हासिल करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। सच में रुक, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। ये जो भी काम लंदन में आया है मैं उसे खुद संभाल सकता हूँ। तुम ये इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम्हें बचपन में काय ग्रीन से प्यार था, लेकिन उसे तुम में सिर्फ तब दिलचस्पी थी जब उसे लगा कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। ग्वेन ने मुझे बताया था। मुझे प्यार व्यार नहीं था, ओके? मुझे बस लगा कि वो अलग है। देखो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं पृथ्वी के एक अलग इलाके में जा रहा हूँ। वो जगह बारिश के लिए मशहूर होने के बावजूद लंदन का एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन सिर्फ 23 इंचेस है। बोलते जाओ। ये न्यूयॉर्क शहर के एवरेज सालाना बारिश से आधे से भी कम है। जब मैंने कहा बोलते जाओ, मेरा मतलब था मत बोलो। आई होप अंग्रेज लोगों की भाषा तुम्हारी भाषा से बेहतर और साफ हो। आने के लिए थैंक्स बेन। समझ में नहीं आ रहा था मदद के लिए किसे बुलाऊं। काय, वाह, तुम कितनी लंबी हो गई हो। बिल्कुल हो गई हूँ, 6 साल बीत चुके हैं। तुम भी तो लंबे हो गए हो बुद्धू। हाँ, इतना लंबा कि वेयरवुल्फ नहीं कह सकती। कम ऑन, तुम्हारे कान में बाल थे और पूंछ भी थी। खैर छोड़ो, मुझे अपने ग्रैंडपा को बचाना है। कहो कि हमें तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाना है। काय, ये है रुक। मिस ग्रीन, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे मैंने तुम्हें बैकअप के लिए बुलाया है। बैकअप? मैं एक सुपर हीरो हूँ। मैं गिन भी नहीं सकता मैंने यूनिवर्स को कितनी बार बचाया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 बार। जरूर इससे ज्यादा बार बचाया होगा। और वैसे भी बेन टेनिसन किसी का बैकअप नहीं है। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? देखो, अब यहाँ आ गए हैं तो मैं गाड़ी में इंतजार करूँगा। रुको, तुम डॉक्टर जेकिल की लैब में गई थी? यानी डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड, वो सिर्फ एक कहानी है। ये वो कह रहा है जिसका ओमनीट्रिक्स उसे एलियन बनाता है। वो उन्हें तलवार हासिल करने के लिए किसी महल में ले जा रहे थे। कोई बात नहीं, इंग्लैंड में कितने, सिर्फ 2 या 3 महल होंगे? 800 से ज्यादा हैं। ओह, जिनमें तलवारें हैं? उससे थोड़े कम। लेकिन हमें काफी वक्त लग जाएगा उनमें से हर एक को। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। उनमें से एक नाइट ने ये गिराया था। हाउस, कैसल, मूविंग एंड स्टोरेज। यहाँ कोई नहीं है। पहले कोई था तो सही। अच्छी जासूसी की शर्लॉक। तुम्हारी तारीफ हो रही है बेन। शर्लॉक होम्स जबकि कहानियों में उसे एक बहुत अच्छा जासूस। नया ओमनीट्रिक्स? जरा संभल कर, तुम मुझे वॉकर ट्राउट या ऐसा कुछ बना दोगी। इसमें ढेर सारे नए एलियंस हैं। तो तुम अपनी मर्जी से बेन वुल्फ में नहीं बदल सकते? सकता हूँ पर नहीं बदलना चाहता। और वैसे भी अब मैं उसे बेन वुल्फ नहीं बुलाता, उसका नाम है
ब्लिट्स वुल्फ अर। ब्लिट्स वुल्फ? तुमने ये नाम अभी अभी सोचा है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी प्यार भरी बहस के बीच में बोल सकता हूँ? हमारी क्या? नहीं, कोई प्यार नहीं। जरा चुप रहो। क्या मैं तुम्हारी बिना प्यार भरी बहस के बीच बोलूं? ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये मेरे ग्रैंडपा की हैंडराइटिंग है। उन्होंने पार्लियामेंट स्क्वायर के स्टैचूज का डायग्राम बनाकर उसे लंदन के पुराने मैप के साथ क्यों जोड़ा? हे, ये करना बंद करो। हर स्टैचू लंदन का एक अलग लैंडमार्क बता रहा है। एक छुपा हुआ कोड। वो क्या है जिस पर एक्स लिखा है? साफ नजर आता है। ऑलिवर क्रॉमवेल लिखा है। ग्रैंडपा ने इसे रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के साथ मैच किया है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस मैप पर 1860 की डेट है, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो स्टैचू तो 1899 में इंस्टॉल हुआ था। बिल्कुल सही। उससे पहले स्क्वायर के दूसरे हिस्से में क्रॉमवेल का एक अलग स्टैचू था। मेरे ग्रैंडपा को पता होगा। वो जानबूझकर नाइट्स को गलत जगह ले जा रहे होंगे। तो फिर हम भी गलत जगह जाकर फॉरएवर नाइट्स की धुलाई करेंगे। नहीं, मेरे ग्रैंडपा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ताकि फॉरएवर नाइट्स को वो तलवार न मिले। वो चाहते होंगे कि तलवार हमें पहले मिले। तुम श्योर हो ये सही होगा काय? जब फॉरएवर नाइट्स को पता चलेगा कि तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है तो? ग्रैंडपा वेस कहते हैं एक प्लमर हमेशा अपना फर्ज निभाता है। वो अपना ख्याल रख सकते हैं। तो फिर वो पुराना स्टैचू कहाँ था? स्क्वायर की दूसरी तरफ। ये तो उसके हिसाब से लैंडमार्क पर है। कूल। हाँ बिल्कुल। कई मशहूर लोगों को यहाँ हाईगेट सेमेट्री में दफनाया गया है। माइकल फैराडे, कार्ल मार्क्स, डगलस एडम्स। और वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राज छुपा है हॉल और वॉल के बीच। कौन सी वॉल? और यहाँ कोई हॉल नहीं है। हॉल और वॉल कैपिटल में है। इसका मतलब ये प्रॉपर नेम्स होंगे ना? बार्टलबी हॉल, यूनिस वॉल। यही है वो। बू। तलवार नहीं है, सिर्फ ये दो चीजें। मानना पड़ेगा, तुम्हारा पार्टनर सच में कमाल है। अरे ये सब तो मैंने ही उसे सिखाया है। शायद पीछे ध्यान रखना नहीं सिखाया। तुम संभालो, मैं इन्हें बचाती हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बेहतर लड़ती है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहीं रुक जाओ। सब के सब, अगर इसकी जान प्यारी है तो इनकी बात मत सुनो काई। ऑक्यूलाटा, अगर ऐतराज ना हो तो। ऑक्यूलाटा? ग्रैंडपा, जिस तलवार की इन्हें तलाश है वो है सोर्ड सिगर्ट की, बेवुल्फ की और आर्थर की। जो भी कहीं भी इसे लड़ाई में इस्तेमाल करेगा उसे रोकना नामुमकिन होगा। दुनिया भर में इसे सैकड़ों नामों से जाना जाता है, लेकिन जो नाम तुम जानते हो वो शायद एक्सकैलिबर। लेकिन वो भी सिर्फ एक कहानी है ना? एक्सकैलिबर हाथ में आने से मैं फॉरएवर नाइट्स की शान वापस पाते हुए इस दुनिया पर दोबारा राज करूंगा। कोई एलियन फिर कभी पृथ्वी पर पाव रखने की हिम्मत नहीं करेगा, कभी नहीं। उस वक्त तुमने बहुत अच्छे मूव्स किए। क्या था वो, किसी तरह का सीक्रेट नवाहो फाइटिंग टेक्निक? हाँ, उसे जूडो कहते हैं। मैंने स्कूल के बाद क्लासेस किए थे मॉल में। तो हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? ऑक्यूलाटा कुछ ऐसे साइंटिस्ट ने बनाया था जो फॉरएवर नाइट्स के वफादार थे। पूनम की रात जब उसे वेस्टमिनिस्टर पैलेस के दो टॉवर्स के ऊपर रखा जाता जैसे आज रखा है, तब ऑक्यूलाटा वॉल्ट ऑफ ब्रिटानिया की लोकेशन बताती है, जहाँ एक्सकैलिबर तब से पड़ा है जब से नेपोलियन को हराया गया था। यार, मैंने सिर्फ ये पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, हिस्ट्री का लेसन नहीं मांगा था।
इन दोनों को अपने साथ विक्टोरिया टावर ले जाओ। ये रेड नाइट और मैं मिस्टर टेनिसन और उसकी गर्लफ्रेंड को एलिजाबेथ टावर ले जाएंगे। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और एलिजाबेथ टावर कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने बिग बेन के बारे में कभी सुना ही नहीं? मैंने बिल्कुल सुना है बिग बेन के बारे में, बड़ी सी घड़ी, कैसे चूक सकते हैं? एक्चुअली बिग बेन का नाम 16.5 टन की उस बड़ी सी घंटी के वजह से पड़ा है जो उसे इतनी जानकारी देने की जरूरत नहीं। मैं बेन को सिर्फ बता रहा था। तो ठीक है, ये बहसबाजी बंद करो। करनी है बेन 10 बिग बेन पर। कितना कमाल का है ये, लाख गुना कमाल का सच में। हाँ, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वॉल्ट ऑफ ब्रिटानिया का रास्ता। ठीक 10 सेकंड में उनका ध्यान बटने वाला है। जब ऐसा होगा तो वहाँ उड़कर उनसे पहले तलवार हासिल कर लो। ध्यान बटेगा किस तरह से? तुम्हें किस बात का इंतजार है बेन? जाकर तलवार ले आओ जल्दी। कम ऑन ओमनीट्रिक्स, कोई ऐसा एलियन दो जो उड़ सके। ब्लिट्स वुल्फर, अभी। मेरे नाजुक कान। आखिर वहां पर ये चल क्या रहा है? और कैदियों की रखवाली कौन कर रहा है? इस टेक को क्या कहते हैं बेटे? एक प्रोटोटूल सर। काश ये सब तब इन्वेंट हुए होते जब मैं एक प्लमर था। मुझे ये तुम्हारे साथ करना पड़ रहा है। एक रोबोटिक निंजा को वेस्ट करना बिल्कुल गलत है। बाल बाल बचे। बच गए। मैं उसे दूर रखता हूँ मैजिस्टर ग्रीन, आप जल्दी से भागिए। लगता है और कोई रास्ता भी नहीं है। सुनो ओमनीट्रिक्स, अगर इससे बात नहीं बनी तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं उड़ सकूं। गुड बॉय। क्या प्यार है। अब और दखलंदाजी नहीं हुई तो मैं एक्सकैलिबर ले आता हूँ और दुनिया पर राज करता हूँ। और तुम्हें लगता है मैं ये होने दूंगा? अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारे दोस्त हमारी गिरफ्त में हैं, तो क्या हम अब अपना छोटा सा एडवेंचर पूरा करें? यह सस्पेंस मेरी जान ले रहा है। दरवाजा सील्ड है सर। मतलब मैं वैसे भी अंदर नहीं जा पाता। अच्छा है, अब बुरा नहीं लग रहा मैं यहाँ पहले नहीं पहुँचा। तुमने तो कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी जान बचाने में कौन बिजी था? और तुम्ही ने तो मुझे गुड बॉय कहा था ना। वो ब्लिट्स वुल्फर के लिए था। बच्चे, मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पीछे मुड़ने पर मजबूर मत करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैजिस्टर ग्रीन, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि बेन कभी एक्सकैलिबर को फॉरएवर किंग के हाथों में नहीं पड़ने देगा। पत्थर के अंदर तलवार, सच में एक बेहद जरूरी सुरक्षा कदम। जो सबसे काबिल होगा वही निकाल पाएगा, या वो जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ सीरम है। Ugh!
मुझे लगता है गड़बड़ होने वाली है। ये कोई मजाक नहीं है बेन। रिलैक्स मिस्टर ग्रीन, मैं संभाल लूंगा। सुपर हीरो 90% श्योर हूँ। आज से मैं अपनी सही जगह हासिल करूंगा, सिर्फ फॉरएवर नाइट्स के किंग के तौर पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के किंग के तौर पर। इसलिए अब से एक्सकैलिबर हमेशा के लिए मेरा हुआ। मैंने कहा एक्सकैलिबर हमेशा के लिए मेरा हुआ। तुम एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और उस तलवार को मेरे लिए निकालो। फॉरएवर नाइट्स का किंग मेरी मदद मांग रहा है। तलवार या इनकी जिंदगियां खत्म। ड्रामा किंग। ओके, मुझे थोड़ी जगह दो। नहीं बहन। रुक। 80% श्योर हूँ। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ठीक है ठीक है, इतना चिल्लाते क्यों हो। वापस 90%। जल्दी करो, तुम्हें इतना आसान लगता है तो तुम ही करो। ये तलवार पत्थर से निकलने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जरूर कोई एलियन ट्रिक है, उन्हें तबाह कर दो। लेकिन तुमने अपने किंग से सवाल किया, हर एक को तबाह कर दो। नहीं कर सकते। एक बात है जो तुम प्रोटोटूल के बारे में नहीं जानते, तुमने उसे उल्टा पकड़ा है। चलो हम यहाँ से निकल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं जाएगा बिना फॉरएवर किंग की इजाजत। हाँ, ये तलवार कभी इस पत्थर से नहीं निकलने वाली। यहाँ से अंदर सबसे पहले कोई जाएगा तो वो हूँ मैं। मैजिस्टर ग्रीन, अब आप क्या करना चाहते हैं? वही जो तुम्हें रात भर करते हुए देखा है। देखा, जब तुम ऐसा करते हो तब लगता है तुम्हारे साथ प्यार से पेश नहीं आना चाहिए। काश किसी ने ये ना देखा हो। मुझे भी एक ऐसी तलवार चाहिए। क्या ये अभी अभी? फ्लूइड प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। अब बात बनेगी। हम लड़ने में वक्त जाया नहीं कर सकते, वरना कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। एक नाइट अपने किंग की बात हमेशा मानता है। तुम्हारा किंग अब पावर का भूखा शैतान बन गया है सचमुच। हम सबको तबाह करने से तुम्हें वो तलवार नहीं मिलेगी। जैसा बोगे वैसा पाओगे। सीखो और जियो। ठीक है, थोड़े वक्त के लिए समझौता कर लेंगे। शायद मुझे एक रास्ता मिल गया है। वो होशियार है। ये बिल्कुल एक एग्जिट है, लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ निकलेगा। कहीं भी सिवाय यहाँ के।
बस थोड़े से पावर की जरूरत है। प्लीज इसका इस्तेमाल कर लो। ये सब मैंने सोचा नहीं था। क्या रुक तुम्हारा नया किंग है? नहीं बस आदत की बात है। बहुत खूब, अगली बार हम एक दुश्मन की तरह मिलेंगे, समझे? एक पल पहले मैं तुम्हारा किंग था। सब लोग निकलो यहाँ से। बेन, अपने असली रूप में लौट आओ, हमें निकलने का रास्ता मिल गया। सुन लिया तुमने, जाने का वक्त हो गया, चलो पहले तुम। इतने दिलदारी की जरूरत नहीं टेलिसन, मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर फॉरएवर किंग हूँ और तुम एक एलियन कीड़े। काश काय ने ये भी ना देखा हो। क्या नहीं देखा? अरे यार, नाइट्स यहाँ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नदी में फ्लश हो गए होंगे या किसी गंदी सी जगह फ्लश हुए होंगे। बेन रुक, मदद करने के लिए थैंक्स। हमें बड़ी खुशी हुई सर। हाँ, और बहुत अच्छा लगा बेन वुल्फ, मतलब ब्लिट्स वुल्फर से मिलकर। जानता था तुम यही कहोगी। और तुम्हें भी दोबारा देखकर अच्छा लगा बेन। लड़कियां तो किसी एलियन से भी ज्यादा अजीब होती हैं।